सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद उनकी मां की तबीयत हुई बहुत ही ज़्यादा ख़राब। एक मां चाहे कितनी भी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने बच्चे को खोलती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां अब सिद्धार्थ के बिना जीना नहीं चाहती। जब उनसे राहुल वैद्य मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं जी के क्या करूँगी। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। सिद्धार्थ की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, फिर भी वो शहनाज गिल का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हैं। सिद्धार्थ के यूँ अचानक अलविदा कहने से उनके फैंस पूरी तरीके से टूट चुके हैं और इसका सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ा है सिद्धार्थ की माँ और शहनाज गिल के ऊपर। सिद्धार्थ के गुजर जाने के बाद कई सेलिब्रिटीज उनके घर मिलने गए और सिद्धार्थ की मां सबसे बस यही कहती हैं कि वो अब जीकर क्या करेंगी। सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन शहनाज गिल और उनकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां और शहनाज गिल पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। टेलीविज़न की सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जोड़ी को बिखरता हुआ देख सब टूट चुके हैं और लोग शहनाज को देख कर बस यही कहते हैं कि अब शहनाज का क्या होगा। ये वही लड़की है जो सबको हंसाती थी, दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी थी, जो सिद्धार्थ के साथ जीना चाहती थी, अब वो सिद्धार्थ के लिए मर रही है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का रिश्ता क्या था, ये आज हर कोई जानता है। शहनाज सिद्धार्थ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इस बात का उन्होंने कई बार इजहार भी किया। दोस्तों, बस भगवान से यही प्रे कीजिए ऐसी मुश्किल घड़ी में सिद्धार्थ की फैमिली और शहनाज को भगवान हिम्मत दे। मैंने तुझे हमेशा प्यार किया और मैंने हमेशा तेरी गालियां सुनी और इसने सॉरी गालियां मतलब क्यूट क्यूट। आपके लिए प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। जो प्यार होता है ना, अगर प्यार सच्ची हो तो फिर वो सब कुछ ही है। फिर दुनिया नहीं दिखती, तू ही है जो है। मुझे प्यार किया है मैंने, चोरी थोड़ी की है, क्योंकि दिल में बसा है तू मेरे। अगली लाइन सुनने वाली, टाइम पास नहीं तेरे साथ करना चाहती, एक ठोक के लेना चार फेरे।